यार आप लोग मुझे एक बात बताओ, हमारा जो चैनल है ये जे सुपर कौर, वो मतलब मेन यूएसपी क्या है? एक तो डीआईवाइज एंड होम रेमेडीज एंड मेकअप, वो सब तो है, उसको साइड रखो। मतलब सबसे बड़ी बात है मैं आप लोगों के पैसे बचाती हूँ, ठीक है ना? बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, लग्जूरियस चीजें करने का, लेने का, खरीदने का, लगाने का मन करता है, बट उसको मैं कम सस्ते दाम में आपके लिए अवेलेबल कराती हूँ, घर की ही चीजों से फायदा कराती हूँ। तो क्यों ना मैं एक लिपस्टिक के बड़े सारे फायदे, या एक लिपस्टिक आपने बेकार रंग की ले ली तो उसको बेटर कैसे करें? जानना चाहते हो, पैसे बचाना चाहते हो ना, तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो, बने रहिए इस वीडियो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जय सुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों लिपस्टिक्स का शौक मतलब किसको नहीं है, सबको है ना, हम सबको, वी ऑल आर क्रेजी फॉर लिपस्टिक्स, इवन टीनेजर्स, गर्ल्स, बड़े छोटे, सबको बहुत पसंद है लिपस्टिक्स। और मेरे लिए, मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाती हूँ, या मैं इंस्टा पे आती हूँ, या टिकटॉक पे आती हूँ जो म्यूजिकली है, तो मुझसे बहुत, फेसबुक पर भी लोग मुझसे हमेशा मैसेज में, मेल में ये पूछते हैं, यार आपने लिपस्टिक कौन से कलर की लगाई थी? तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगी कि मैं मोस्टली क्या होता है, जैसे मैं कहती हूँ ना, मुझे एक टॉप पसंद आ गया तो बड़े दिनों तक वही टॉप मैं रिपीट करती रहती हूँ। ऐसे ही मुझे एक लिपस्टिक पसंद आ गई ना, बड़े दिनों तक मैं उसी लिपस्टिक को दो तीन तरह से लगाती रहती हूँ। अब आप कहोगे यार एक लिपस्टिक एक कलर, तो उसको दो तीन तरह से कलर्स अलग कैसे करते हो, सिर्फ एक लिपस्टिक से वो कैसे करते हो? तो वो मैं आज इस वीडियो में अपने अल्टीमेट लिपस्टिक हैक्स शेयर करने जा रही हूँ। आपने लिपस्टिक हैक्स के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट आई एम श्योर मेरे हैक्स जो है वो थोड़े डिफरेंट है, यूनिक है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी जगह अगर आप भी वो उनमें से कोई करते हो, या आपको कोई अच्छा लगता है हैक जो नया लगे, तो मुझे डेफिनेटली बताना इसी बहाने, और इस वीडियो के बहाने आपको थोड़े बहुत मेरे लिपस्टिक के कलर्स भी पता चल जाएंगे, शेड्स पता चल जाएंगे जो मेरे फेवरेट्स हैं, एंड बहुत अच्छे हैक्स हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, अच्छा वो मैं लास्ट में कह दूंगी, ठीक है? और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच, कल मेरी सिस्टर मोनिका का बर्थडे था, जी हाँ, कोकोइन मोनिका, जिनका चैनल है कोकोइन मोनिका, तो उनको सब्सक्राइब तो कीजिए कीजिए, कल उनकी जो आपने विशेस करी, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे इंस्टा स्टोरीज मैंने शेयर कर रखी है कोकोइन मोनिका के साथ मस्ती करते हुए, हम लोग कल फैमिली डिनर पार्टी पे गए थे, अगर आप वो स्टोरीज देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आ जाओ, JSuper.Kaur मेरा आईडी है। आप कुछ लोग कहेंगे हम इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, तो जैसे फेसबुक है यार, फेसबुक का भाई है, फेसबुक की बहन ही है इंस्टाग्राम, तो इट्स वेरी इजी, फेसबुक से कनेक्ट करके बनाइए और आ जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, आई वुड लव 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 टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ माई फैमिली ओवर देयर। एंड अभी बहुत सारी बातें होंगी ना, तो अभी ज्यादा बातें नहीं करते, जानते हैं ये हैक्स, कौन सा हैक अच्छा लगा और कौन सा हैक आप फॉलो करते हैं वो भी मुझे बताइएगा, जैसे कि लिप्स पाउटी लगे एंड एवरीथिंग। लेट्स गेट, अभी ज्यादा बातें नहीं करते, लेट्स गेट। पहला टिप मेरा लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, साथ में स्मच प्रूफ, मीन्स किस प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ, कि आप कुछ भी चाय कॉफी पीते हैं या किसी भी सी करते हैं तो वो ट्रांसफर ना हो, दैट लुक्स वेरी 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 ग्रोस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो उसके लिए पहले तो लिप्स को प्रेप करना है, लिप बाम लगाकर एंड एवरीथिंग। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू अप्लाई लिक्विड लिपस्टिक लाइक अ प्रो, उसमें भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर रखा है कि लिप्स को प्रेप कैसे करना है, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो, ताकि जो पपड़ी वपड़ी है वो पूरी लिप्स की निकल जाए, चैप्ड लिप्स नहीं लगे। तो सबसे पहला मेरा यहाँ पर टिप ये रहेगा कि क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरे हल्का सा पिंक टिंट दिख रहा है पिछली लास्ट लिपस्टिक का, सो उसको हमें एक तो मेलो डाउन करना है, न्यूट्रल करना है, दूसरा हमको जो लिप्स हैं उनको प्रिपेयर करना है ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे। जिस तरह से हम फेस पर बेस लगाते हैं, लिपस्टिक बेस भी लगाएंगे, वो आप कोई फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी। यहाँ पर मेरे पास ये शुगर की स्टिक फाउंडेशन है, सो मैं बिल्कुल थोड़ी सी, हालांकि ये भी ज्यादा ही है, इसको लगाकर अच्छे से जो ब्लेंड कर लूंगी, या ब्लेंड कर लूंगी, एंड इससे आप देखेंगे जो मेरा कलर है ऑलरेडी, अगर आपके लिप्स में डिसकलरेशन है, होंठ काले हो रहे हैं, थोड़े ब्राउन हो गए हैं, तो कोई भी कलर अगर आप पे नहीं, आपको लगता है एग्जैक्ट वो कलर नहीं आता है, तो ये एक बोनस आपको टिप, बोनस मतलब मैं कहूंगी आपको मिल रहा है कि एक तो जो भी ट्रू कलर है लिपस्टिक का वो एब्सोल्युटली वो शो होगा, दूसरा जो आपकी लिपस्टिक है इससे लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बिकॉज यहाँ पर आपके लिप्स पर बेस मिल गया आपकी लिपस्टिक को, जिस पर वो टिक सके, ठहर सके, नहीं तो लिप्स पर उतना नहीं टिकेगी। अब इस तरह से ये लगाने के बाद आप कोई भी कॉम्पैक्ट लेंगे, लूज पाउडर भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 40 P++++ ले रही हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्पैक्ट, सो हल्का सा मैं डैप कर लूंगी। सो यहां पर मेरा जो लिपस्टिक का बेस है वो एब्सोल्युटली तैयार है,
अब मैं कोई भी लिपस्टिक लगाती हूँ, लिक्विड लिपस्टिक की तो ऑब्वियसली शिट। तो मैं ये रेड कलर की लिपस्टिक ले रही हूँ, दिस इज इन द शेड M204 रेड कार्पेट, मेबेलिन की है। इट्स अ ब्यूटीफुल शेड, आप देखना। अब ये रेड शेड एक तो पॉप आउट करेगा, साथ में लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। Isn't it beautiful? और obviously lipstick लगाने के बाद side से आप clean कर सकते हैं। I love 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 this color। अब कोई भी lipstick आप लगाते हैं, bullet, creamy, matte, liquid, whatever, किसी कोई भी lipstick लगाइए तो आप उसको like 20 to 30 seconds के लिए अपने lips पर set होने दीजिए। उसके बाद, मतलब हिंदी मुझे आती है पर ये वाली लाइन कभी भी मेरे से सेट नहीं होती, होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करेंगे। अब नॉर्मली हम दोस्तों इस तरह से लिपस्टिक लगाकर निकल लेते हैं, हमें लगता है वाओ इट लुक्स सो स्वीट नाइस। तो अब मैं आपको पानी पी के दिखाती हूँ, तो ये ट्रांसफर होगा। जस्ट लुक एट दिस, ये हुआ ना ट्रांसफर। नॉर्मली दोस्तों पार्लर्स में भी ये टिप फॉलो किया जाता है, जब आप एक कोट ऑफ लिपस्टिक लगा लेते हैं नॉर्मली हम तो बाहर निकल जाते हैं, बट क्या करते हैं उसके बाद ऑब्वियसली इनर लिप्स से हम हटाते हैं और एक बार लिपस्टिक को हम हटा लेते हैं थोड़ा सा, तो जितनी भी ट्रांसफर होनी होती है इस तरह से ट्रांसफर हो जाती है, और साथ में लिप्स के बीच में भी दबा देंगे तो आप देखेंगे यहां पर दोनों तरफ से ये उतर जाएगी, ठीक है। और एक बार और, सो ये पूरी ट्रांसफर प्रूफ हो चुकी है। अब अगर आपको कलर अच्छा लग रहा है तो दैट्स नाइस, मैं आपको दूसरी साइड से पीके दिखाती हूँ। नाउ यू कैन सी बिल्कुल भी जरा भी ट्रांसफर नहीं हुई, यहां पर मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर लिपस्टिक लगाने के बाद पाउडर सेट करते हैं, उससे भी होती है। लेकिन मेरे को पर्सनली जो बहुत अच्छा लगता है वो है कि आप लिपस्टिक जब भी लगाते हैं उससे पहले फाउंडेशन और पाउडर लगाएंगे तो ज्यादा लंबी टिकेगी और स्मच प्रूफ। बिल्कुल मैंने आपको बिना कट के प्रूफ दिखा दिया। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कलर पे ऑफ, अगर आपको लगता है टिश्यू लगाने के बाद कलर पे ऑफ कम हो गया तो आप एक कोट और लगाएंगे। मेरा कॉम्पैक्ट टूट गया, जस्ट वेट नाउ, यस इट जस्ट ब्रोक, यस मेरा कॉम्पैक्ट जो है वो टूट गया। Just see, I am so sad. और कोई बात नहीं, फिर भी हम make do कर लेंगे अभी कुछ ना कुछ video, so the show must go on. Instagram पे आ जाना, वहां पर अपनी feelings share कर लूंगी। But anyway, हम एक coat और लगाएंगे, coat in the sense एक बार और लगाएंगे और इसके बाद हम इसको टिश्यू से नहीं उतारेंगे। हम क्या करेंगे, हमने ये जो कॉम्पैक्ट लिया है, नॉर्मली लूज पाउडर लगा के या व्हाइट वाला जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है या बेबी पाउडर होता है उससे करते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि बेबी पाउडर से करने से ना जो आपकी लिपस्टिक का एक्चुअल कलर है वो हल्का सा लाइटन हो जाता है, विच आई टोटली डोंट वॉन्ट। तो मैं क्या करूंगी, आई विल कीप दिस टिश्यू ऑन माई लिप्स एंड देन आई टेक, पहले मैं ये आपके सामने ब्रश में ये बहुत सारा जो कॉम्पैक्ट है वो ले लेती हूँ। यहाँ पर वैसे भी चूरा तो हो ही गया है, अब तो इस तरह से लेकर थोड़ा डस्ट ऑफ करके और यहां पर लिप्स पर रख के मैं ये अच्छे से लगा लूंगी लिप्स पर। इनफैक्ट ये डबल लेयर मैं नहीं ले रही टिश्यू की, ये दो टिश्यू थे, ये टिश्यू लेकर एंड देन यू रिमूव इट, तो एक्सेस हल्का सा जो है वो हट जाएगा। साथ में आपका लिपस्टिक का कलर बिल्कुल भी, अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल भी लाइट नहीं हुआ है। अगेन दिस इज अगेन ट्रांसफर प्रूफ, आई विल शो यू, ठीक है। ये हमारी जो करामात हमने करी थी, जस्ट सी थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ है बट उतना नहीं हुआ है, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो इससे आपकी लिपस्टिक इवन जितनी भी है मेरी चीजें गिरती जा रही हैं, आई विल जस्ट, चलो छोड़ो। आप देख सकते हैं कि लिपस्टिक का कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, व्हाइट पाउडर या बेबी पाउडर लगाने से जो लाइट होती है वो नहीं हुई है और लॉन्ग लास्टिंग तो रहेगी। एटलीस्ट आई वुड से अगर आपकी लिपस्टिक 4 आवर्स चलती है तो 4 की जगह आई वुड से 6-7 घंटे आराम से, 5-6 आवर्स, 2-3 घंटे तो एक्स्ट्रा हम कर ही लेते हैं। आजकल सेल्फियों का जमाना है यार, तो जब भी सेल्फी लेते हैं इट्स लाइक आई लुक सो फनी, बट
पाउटी लिप्स के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, इसकी एक रेमेडी भी है, ठीक है, वो रेमेडी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है कि आप अगर पाउटी लिप्स चाहते हैं तो वो आप जेसुपर कौर स्पेस पाउटी लिप्स आप टाइप कर दीजिएगा, हाउ टू मेक योर लिप्स अपीयर फुलर एंड बिगर, ये मैंने शेयर कर रखा है। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों को तक नहीं पहुंचा होगा बिकॉज यूट्यूब में जो ग्लिच व्लिच, मैं दोबारा से वो रोना नहीं रो रही, बट यस मुझे पता है वो वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा। अब ये मैं लिप लाइनर यूज करने वाली हूँ, ये सबसे अच्छा टिप है। ऑब्वियसली मैंने फाउंडेशन लगाकर लिप्स का जो भी कलर था वो मेलो डाउन कर लिया, न्यूट्रलाइज। ये कौन सा है भाई, मिस क्लेयर ग्लिमर स्टिक इन द शेप इन द शेड इंडियन रेड L05, वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक, वन ऑफ माई फेवरेट लिप लाइनर्स। इसका कलर बहुत अच्छा है। अब लिपस्टिक एक तो इससे लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, जैसे मैंने पिछला आपको टिप दिया है ना, उसमें अगर आप चाहो, मेरे को लगा अगर मैं आपको लिप लाइनर का टिप भी उसी में दे दूंगी तो बहुत तामझाम हो जाएगा यार, एक लिपस्टिक लगाने के ऐसे बूथे पे लगाओ और निकल पड़ो लिप अपोथी करके, तो वो नहीं है, इसलिए मैंने वो टिप वहां नहीं दिया। इफ यू हैव द टाइम ऑन योर हैंड देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो यहां पर मैं आपको बता रही हूँ लिप लाइनिंग करेंगे, मैं बोलना बंद कर दूंगी। लिप लाइन करने के लिए हम ओवरलाइन थोड़ा सा करेंगे, ओवरलाइन, डोंट गो क्रेजी विद इट लाइक अरब गर्ल्स एंड ऑल, बट थोड़ा सा हम जो ऊपर क्यूपिड्स वो है और यहाँ पर हम ओवरलाइन करेंगे। मैं चुप रहना पड़ेगा, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू मी इन द वर्ल्ड, बट यस नाउ चेक इट आउट। तो जो एक्चुअल आपकी लिप्स की लाइन है उससे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। आप एग्जैक्ट लिप लाइनिंग भी कर सकते हो, जो आपकी लिप लाइन है एग्जैक्ट उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा बाहर जाने से जो आपके लिप्स हैं वो और ज्यादा बड़े लगते हैं, फुलर लगते हैं। जिनके लिप्स ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, दे वांट की थिन लिप्स हो जाएं, तो वो इन लाइन इनर उससे लाइन लिप लाइनिंग ना भी करें, अंदर फिलिंग कर लें, दैट विल बी मोर देन इनफ। सो अब मैं इनको फिल इन कर लूंगी। बाय द वे ये लिप लाइनर आपको मेरे इंस्टा स्टोर पे मिल जाएगा, अच्छा है, बहुत क्रीमी नहीं है, ओके ओके क्वालिटी है, मिस क्लेयर, बट जो सिवाना के लिप लाइनर्स हैं अमेजिंग है। आई होप यू गाइस कैन सी कि जो मेरी एक्चुअल लिप लाइनिंग है मैंने क्यूपिड्स बो से उससे थोड़ी बाहर निकाली है, तो उससे इंस्टेंटली जो मेरे लिप्स हैं वो थोड़े बड़े दिखने लग गए हैं। और अब मैं इसके ऊपर लिपस्टिक टॉप अप करूंगी, ये मैं कर रही हूँ टॉप, दिस इज लैक में आर्गन ऑयल वाली ड्रेंच्ड रेड, अमेजिंग कलर। मैंने जो पहले वाली लिपस्टिक लगाई थी और अब लगाई है, इसमें मेरे लिप्स उससे ज्यादा बड़े लग रहे हैं, पाउटी लग रहे हैं। कई बार हमारे पास जो लिपस्टिक होती है वो हमें बहुत लाइट कलर लगता है, हालांकि आई लव 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 दिस शेड टोटली निकी मिनाज टाइप, लेकिन कई बार होता है ना हमें लगता है यार ये शेड लाइट है, काश ये थोड़ा सा यही वाला शेड थोड़ा डार्क होता, होता है ना ऐसे कई बार कि यार यही शेड थोड़ा डार्क होता या यही शेड थोड़ा लाइट होता। तो डार्क के लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने जो लगा रखा है लैक में एब्सोल्यूट लिप आउट रेंज का है पिंक फैंटेसी एंड आई लव दिस शेड, बट अगर मुझे इसको थोड़ा सा डार्कन करना है बट इसके ऊपर और लिपस्टिक नहीं पोतनी तो क्या करना चाहिए, नो फियर व्हेन जेसुपर कौर इज नियर, एब्सोल्युटली राइट। अब तो आप लोग भी मेरे साथ ऐसे बोलते होंगे, बट यस ये आप कोई भी ब्लैक पेंसिल ले लीजिए, ब्लैक ले सकते हैं, इवन ब्राउन भी ले सकते हैं, मैं ये वहां पे ब्लैक काजल पेंसिल ले रही हूँ, कौन सी है डजंट मैटर, आप फिलहाल खैर वॉट एवर कौन सी भी आप उसको छोड़ो, तो आप हल्का सा क्या करेंगे इसको थोड़ा डार्कन करने के लिए, ब्लैक ब्राउन भी ले सकते हो, माइंड यू मैं बार बोल रही हूँ डार्क ब्राउन, बट आप जस्ट अब देखिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पे भी मैं डॉट डॉट्स लगा दूंगी, ठीक है। और इसको आप हाथों से भी स्मच कर सकते हैं, मतलब फिंगर से, और मैं फिंगर से करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे मेरी लिपस्टिक खराब नहीं होती। अब ये मेरा डार्क कलर जादू हो गया ना, अब मैं इसके ऊपर दोबारा से एक बार ये लिपस्टिक अपनी लगाऊंगी एंड जस्ट सी टरा द लिपस्टिक शेड इज एब्सोल्युटली चेंज। तो कहां मेरे पास ये पिंक कलर था और ये फ्यूशिया कलर हो गया है। तो अगर आप और गॉथिक करना चाहते हो और डार्क करना चाहते हो तो डेफिनेटली ब्लैक कलर थोड़ा और करके उसके बाद फिर थोड़ी सी हल्की सी लिपस्टिक लगाकर मतलब एंटायरली आपने जो लिपस्टिक का कलर है वो चेंज कर दिया, ये पिंक से बिल्कुल पर्पल कर दिया गॉथिक कलर, एंड दैट्स इट।
और अगर आप चाहते हैं तो वापस थोड़ा सा लिपस्टिक टॉप कर दीजिए. सो कैसा लगा मेरा हैक? तो एक मिनट में हमने अपनी लाइट लिपस्टिक से 2-3 शेड्स बना लिया. एंड आई थिंक मेरे चैनल का जो मोटो है या जो मेरे चैनल का मतलब ये है कि हम अफोर्डेबल चीज़ें अफोर्डेबल यू नो कम पैसों में हम ज़्यादा बढ़िया लग्जूरियस चीज़ें कर पाए हैं. ऐसे ही दोस्तों मेरा नेक्स्ट हैक रहेगा, कई बार हमारे पास लिपस्टिक बहुत डार्क होती है और उसको थोड़ा लाइट दिखाना है, या फिर मम्मी की या बड़ी सिस्टर की जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल रेड पड़ी है और उसको हम उतनी डार्क नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं लिपस्टिक लगा के थोड़ा उसको लाइट करते जाते हैं या थूक से ऐसे करके हटाते जाते हैं. दैट इज लाइक ग्रोस, वो सही नहीं, हालांकि करते समय. तो हम ऐसा क्या करें, अगेन जो पिछला हैक था उसी का ऑपोजिट करेंगे. हम ब्लैक की जगह व्हाइट पेंसिल लेंगे. व्हाइट आप कोई भी ले सकते हैं, काजल, ये लैक्मे का आइकॉनिक व्हाइट है. आप कोई भी, आजकल व्हाइट मिस्कलर में भी है, इवन मेरे इंस्टा स्टोर पे भी आपको मिल जाएंगे. सो आपको क्या करना है, आप एक व्हाइट बेस क्रिएट कीजिए. अब आप इसको ऐसे फिल इन कर लीजिए या इस तरह से लगा लीजिए. अब मैं आपको लैक्मे का मिस क्लियर ये शेड नंबर 26 लगाकर दिखा रही हूँ, जो मैंने सबसे शुरू में लगाया था. यू नो बहुत डार्क कलर है, बट यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल जादू से लाइट कर दूंगी. सो सी, ये रेड से पिंक हो गया. सो कैन यू सी, ये रेड से एब्सोल्युटली पिंक कलर हो गया. इट लुक्स अमेजिंग. तो अगर आपके पास कोई भी डार्क कलर, इनफैक्ट मैं आपको ये एक और कलर में करती हूँ. मैंने मेबलिन का लगाया था ना रेड कार्पेट, आप वो रेड हॉट कलर लगाइए. वाओ, जस्ट इमेजिन, मतलब मुझे इन हैक्स के लिए तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आप 1 करोड़ लाइक दे दो, 1 करोड़ कमेंट्स दे दो. सो जस्ट सी, अभी आप प्लीज ये मत मुझे कमेंट कीजिएगा लिपस्टिक की शेप सही नहीं लगी, लिपस्टिक सही से नहीं लगाई, बट यू कैन सी कि इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. मतलब जो मेरा रेड हॉट कलर था वो पिंक हॉट कलर में बन गया है जस्ट यूजिंग दिस व्हाइट पेंसिल, राइट? इज़न्ट इट अमेजिंग? तो आई होप आप लोगों को मेरे ये हैक्स बहुत अच्छे लगे हों. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियोस को. बहुत मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है. आप लोगों को पता है कि यूट्यूब में जो पंगा चल रहा है एंड ऑल दैट, तो मेरे वीडियोज जो है वो आप तक नहीं पहुंचे. इनफैक्ट जो मेरा वीडियो है हाउ टू अप्लाई लिक्विड लिपस्टिक लाइक अ प्रो, वो भी आई एम श्योर आप लोगों तक नहीं आया होगा. तो प्लीज 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 मेरे वीडियोस को शेयर करें, नीचे कमेंट्स कीजिए. अगर इस तरह के और हैक्स देखने हैं, ये जैसे कि लिपस्टिक हैक्स थे, हम आईलाइनर, काजल, मतलब जितना भी मेकअप पॉसिबल है ना, सब हैक्स बनाकर रख देंगे. और सबसे बड़ी बात है, आप लोग मेरी लिपस्टिक कलेक्शन जरूर, मतलब कौन सी लिपस्टिक लगाते हो हमें बहुत अच्छी लगती है, वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी. बट नीचे मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए और बहुत सारे लाइक्स चाहिए, मतलब प्रोत्साहन तो चाहिए ना यार. चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और खासकर मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें jsuper.kaur. और टिकटॉक अगर देखते हो, मस्ती वस्ती का शौक है, तो आ जाओ टिकटॉक इंडिया पे, उधर है kaur.jsuper. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, आगे पवन और पैंथर दोनों मस्ती कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ उनके साथ मस्ती करने. नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, लव यू. ना 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 ना, इट्स योर गर्ल jsuper kaur साइनिंग ऑफ. बाय, लव यू ऑल.